आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अगर आपको कोई नोटिस आया हुआ है, अगर आपको कोई ऑर्डर आया हुआ है, चाहे वो 17-18 का है, चाहे 18-19 का है, चाहे कितने भी साल पुराना है, आपको सारी की सारी डिटेल्स एक साथ मिल सकती है और आप सबके रिप्लाई आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भैया, आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर आपके तो 20 क्लाइंट होंगे, 50 क्लाइंट होंगे, सबके नोटिसेज आते होंगे, सबके ऑर्डर आते होंगे, आप सबका ध्यान कैसे रखते हैं? कई बार तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा नोटिस आया हुआ है, हमें पता ही नहीं लगता कि ऑर्डर आया हुआ है, तो सर उसका टाइम निकल जाता है, रिप्लाई करने का, अपील फाइल करने का टाइम निकल जाता है। सर ये बड़ी समस्या है, इस केस में क्या करें? तो भैया इस बात को समझो, हमने ना एक सिस्टम बना रखा है, जब भी हमारे यहाँ पर GSTR 1 फाइल होती है या 3B फाइल होती है तो हम क्या करते हैं, पोर्टल पर चेक कर लेते हैं नोटिस में जाके कि भाई कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया। सर ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तब कैसे करेंगे? तो भैया इस बात को समझो, इस सारी समस्या का समाधान मैं कैसे करता हूँ पर्सनली, मैंने एक सॉफ्टवेयर ले रखा है जिसका नाम है Express GST। Express GST का सॉफ्टवेयर ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, जितने भी मेरे सारे क्लाइंट है उसका सारा का सारा डेटा मैं यहीं से काम करता हूँ। अब उसके बाद अगर मुझे ये चेक करना है किसको नोटिस आया, किसका मैंने रिप्लाई दिया, किसका ऑर्डर पास हो गया, तो मैं यहाँ पर एक टैब आ रहा है नोटिस एंड ऑर्डर, मैं उस पर जाऊंगा, उस पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वहां पर दो कलर है, एक है ग्रीन कलर और एक है रेड कलर। तो अगर आप ग्रीन कलर में देखोगे तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है कि इनके नोटिस आए हुए थे और मैंने इनके सबके रिप्लाई दे दिए, इनका किसी का रिप्लाई पेंडिंग नहीं है। और जो रेड कलर वाला है तो रेड कलर वाले का मतलब क्या है कि इसका नोटिस आया हुआ था और इसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरे जितने भी क्लाइंटों के नोटिस आते हैं तो मैं यहां से देख लेता हूं कि भैया ग्रीन कलर का मतलब है कि मैं रिप्लाई दे चुका हूं, मेरे पार्ट पर कोई पेंडिंग नहीं है। रेड कलर का मतलब है कि मेरे पार्ट पे पेंडिंग है। अब अगर मुझे कई बार ये चेक करना होता है कि भाई मैंने इस केस के अंदर रिप्लाई क्या दिया था, तो मैं क्या करता हूं, मेरा ये ग्रीन कलर पे गया और मैंने वहां पर जाकर नीचे इसका पूरा ट्रेल आ जाती है कि भाई इसका नोटिस कब आया था, इसका रिप्लाई मैंने किस डेट को दिया था, और तो और रिप्लाई मैंने क्या दिया था, ये भी मैं यहां से डाउनलोड कर लेता हूं। मैंने यहां पर डाउनलोड पे क्लिक करा और क्लिक करके जब मैं फाइल को खोलूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने इसका क्या रिप्लाई फाइल करा था। तो इससे क्या होता है, मेरे को वर्ड फाइल के अंदर या मेरे को अपने सिस्टम में एक अलग फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अगर आप सेपर साइड वो बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपका सारा नोटिस और ऑर्डर का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपका कोई भी नोटिस या ऑर्डर मिस नहीं होगा। सर ये सॉफ्टवेयर कैसे ले? भैया गूगल पर जाकर टाइप कर देना, ठीक है, Express GST, वहां पर आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा, अपना लॉगिन बना लेना। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगता है तो फिर इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले लेना। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करके, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इनकी टीम से हेल्प ले सकते हो, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हो, मैं भी आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और यार एक बात और मत भूलना, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, क्यों, 6 और 7 दिसंबर को NIRC के इलेक्शन है। तो अगर NIRC के इलेक्शन में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, लेह लद्दाख में, वो वोट कर सकता है, तो मेरा बैलेट नंबर क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, मेरा बैलेट नंबर है 15। तो बैलेट नंबर 15 पर आपको वोट देना है। अगर आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, और अगर आपको लगता है कि मैंने पिछले 6 सालों में कुछ अच्छा करा है, मैंने आप लोगों की समस्या का समाधान करा है YouTube के माध्यम से या कैसे भी, तो एक बार मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे रिक्वेस्ट कर देना कि जिससे कि मेरे को वो वोट दे दे और मैं इस इलेक्शन को जीत के आपके लिए और अच्छी चीजें करता रहूं, ठीक है। भैया वोट डालने से पहले चेक कर लेना कि जिस व्यक्ति को आप वोट डाल रहे हो वो एक एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं, वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं, क्योंकि सब लोग कहते हैं पॉलिटिक्स गलत है, गलत है, गलत है, गंदी है, नेता खराब है, लेकिन उसे खराब कौन बनाता है, हम वोटर्स। तो इस बार जब आप अपना वोट डालने जाए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप समझदार है, जिसे भी वोट डालने जाए
ये ना सोचे कि मेरे मामा का लड़का है, मेरे चाचा का लड़का है, अगर वो एलिजिबल है भाई, देखो जो रिश्तेदार है या जो आपका फ्रेंड है वो एक मैटर होता है, लेकिन साथ में ये भी देख ले कि क्या ये डिजर्विंग कैंडिडेट है या नहीं है। ऐसा नहीं आपने किसी के नाम पर ही वोट दे दिया। तो भैया मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपका जो वोट है बड़ा कीमती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का वोट जो होता है ना 500 नॉर्मल वोट के बराबर होता है। तो जो भी आप अपना वोट डाले बिल्कुल सही से देख के डाले, और अगर आपको लगता है मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ तो मुझे भी आप वोट करें, चाहे फर्स्ट प्रेफरेंस करें चाहे सेकंड करें, जो भी आपको सही लगता है। धन्यवाद।